सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आहान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ काइन मास्टर से लाइन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं जो काइन मास्टर में वीडियो अपलोड करने का टाइम आता है। तो देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है। प्लस वाले आइकन के बाद जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आप लोग कोई सा भी अपना वीडियो सेलेक्ट करें। देख सकते हैं मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ लेयर पे जाना है। लेयर के बाद इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ अपना कोई ग्रीन आइकन वाला, क्लिक करके देख सकते हैं ये लाइन प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो वीडियो देखते रहिएगा पूरा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको इसे डिलीट करना है, ये वाले ग्रीन आइकन को। इसे डिलीट करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। यहाँ सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन पे जाना है। फिर रन एनालिसिस नाउ पे जाना है। हार्डवेयर आपका ये कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो रहा है। बैक जाना, डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको वो वाले वीडियो को मैं बता रहा हूँ, आपको पेंसिल वाले आइकन पे जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं लेयर पे जाना है। लेयर के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आप लोग को मैं वो वाला ग्रीन आइकन आपको दिखला रहा हूँ। और ये देख सकते हैं ग्रीन आइकन पे जाने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कोई सा भी। ये ग्रीन आइकन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा लाइन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग आसानी से 2 मिनट में ये वीडियो देखने के बाद आपका भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। टेक केयर, बाय बाय।